कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह, और दोस्तों टेक्निकल एक और वीडियो में आपका स्वागत है। सुबह एक मैंने वीडियो बनाया था रियलमी 8 5G जो आने वाला है उसके स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड। नॉर्मली प्रॉब्लम क्या हो गया कि नोटिफिकेशन गए ही नहीं उसके, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नोटिफिकेशन नहीं आया, इसलिए मैं लेट देख रहा हूं। न्यूज फीड में दिखा, नोटिफिकेशन आया नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, अच्छा वीडियो है मेरी तरफ से। और इस वीडियो में बताने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी A82 के बारे में। A82 सैमसंग गैलेक्सी A80 का सक्सेसर होगा। वो मालूम है रोटेट कर सकते थे कैमरास को, वही वाला जो 45,000 में कुछ लॉन्च हुआ था एंड सेल में कुछ 22,000 रुपये में आया था एंड बहुत सारे लोगों को नहीं मिला था। सबसे बड़ा पोपट तो मेरा ही हुआ था। चलो कोई बात नहीं, उसके स्पेसिफिकेशन जो है वो गूगल प्ले कंसोल लिस्टिंग पे लिस्ट हो गए हैं एंड बहुत सारी चीज़ें और भी जगह, दो तीन जगह पे और लिस्ट हुआ था, तो सारी जगह से इसका कोड नेम जो है A82XQ करके है, तो लिस्ट हुआ था, इसके स्पेसिफिकेशन आगे उसी के बारे में बात करेंगे। पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। चलिए बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। सबसे पहले सारे अच्छा एक मिथ था लोगों का कि लोग कह रहे थे कि इसमें रोटेटिंग कैमरा आएगा या तो फ्लिप कैमरा आएगा, लेकिन अगर आप गूगल पे कंसोल पे इसका डिस्प्ले देखोगे जो कि लिस्ट हुआ है तो वहां पे पता चल रहा है कि इसमें पंच होल दिया गया, यानी फ्रंट कैमरा सेल्फी पंच होल में रहने वाला है। तो जब पंच होल में रहने वाला है तो फ्लिप कैमरा या रोटेट कैमरा का क्या मतलब, मुझे नहीं पता, वो देखने वाली बात होगी क्या आता है, लेकिन यही वहां पे लिस्ट हुआ है। एंड इसके बाद स्पेसिफिकेशन की बात करें तो डिस्प्ले का साइज तो नहीं बताया गया है, पॉसिबली आपको 6.5 या 6.7 इंच का होगा, लेकिन इसमें आपको सुपर एमोलेड का पैनल आने वाला है, फुल एचडी प्लस का होगा, अच्छी चीज़ है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आ जाएगा, वो भी अच्छी चीज़ है। गोरिल्ला ग्लास का पॉसिबली कोई प्रोटेक्शन मिल जाए इसमें फ्रंट में, रियर साइड पे तो पॉलीकार्बोनेट ही रहेगा। उसके बाद रियर साइड पे आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिलेगा एंड नीचे सैमसंग की ब्रांडिंग रहेगी। देखने में डिसेंट स्मार्टफोन लगेगा कहा जा रहा है। पहले लोग कह रहे थे कि इसमें फ्लिप कैमरा आने वाला है, लेकिन अब डिस्प्ले देख के तो बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि इसमें आपको फ्लिप कैमरा देखने को मिले। दोस्तों चिपसेट की बात करें तो लिस्ट हो चुका है, इसमें स्नैपड्रैगन 855 प्लस का चिपसेट आने वाला है, वो 5G मॉडेम के साथ आएगा। नॉर्मली जितने भी अभी तक 855 प्लस वाले आए हैं स्मार्टफोन्स, वो सारे आपको याद हैं कि 4G थे, लेकिन यहाँ पे 5G 855 प्लस जो है 5G रेडी चिपसेट है, तो उसमें अगर मॉडेम लगाओगे तो आपको 5G स्मार्टफोन मिल जाएगा। चलिए अच्छी चीज़ है, ऑक्टाकोर का चिपसेट है, 7 NM पे बेस्ड है, बैटरी एफिशिएंसी ठीक ठाक दे देगा। स्कोर की बात करोगे तो 5 लाख 5.5 लाख के बीच में रह जाता है स्कोर इसका, अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे देगा। एंड बाकी सारी चीज़ें एट्रीनो 640 के ऊपर आता है तो गेमिंग ग्राफिक्स भी अच्छी खासी कर लोगे। एंड्रॉयड 11 के ऊपर आएगा जो कि वन UI 3.2 के साथ आएगा, यानी नॉक्स का फुल फ्लेज फीचर आपको मिल जाएगा। इसके कैमरा जो थे फीचर्स वो बहुत पहले लिस्ट हुए थे, इसमें कहा गया था कि 64 MP का सोनी IMX686 का सेंसर आने वाला है, क्वाड कैमरा होंगे, उसके साथ आपको एक अल्ट्रा वाइड मिलेगा पॉसिबली 12 या 13 MP का, और 5 MP के दो सेंसर्स और मिलेंगे आपको, मैक्रो और डेप्थ। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, बुके पर नॉम HDR सारी चीज़ें कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। रियर साइड पे फ्लैश होगा, फ्रंट में आपको 32 MP का सेंसर मिलने वाला है, वो भी अच्छा है, वहाँ से भी 4K कर सकते हो। एंड जितने भी उनके फीचर्स होते हैं सैमसंग वाले, वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे, जैसे सिंगल टेक है एंड वो ड्यूअल कैमरा वाला है, फ्रंट एंड रियर दोनों एक साथ चलने वाला जो भी रहता है सारी चीज़ें। चलिए सारे काम आ जाएंगे, जो व्लॉग मोड होता है ना वही वाला, तो कैमराज आपको सारे मिल जाने वाले हैं, सेंसर्स के फीचर्स जो होंगे। बैटरी की बात करते हैं, बैटरी अभी तक नहीं पता चला है लिटरली कहूँ तो, लेकिन जितना आप अगर आप देखोगे सैमसंग के फोन्स तो इससे पता चल रहा है कि इसमें ए सीरीज़ का है, तो बैटरी उतनी बड़ी नहीं होगी, तो पॉसिबली आपको 4500 mAh की बैटरी, 25W का चार्जर और टाइप सी का पोर्ट, ये कॉम्बिनेशन आपको इसमें देखने के लिए मिल सकता है। देखेंगे जो भी आएगा, जैसे आएगा वैसे इसके बारे में बता दूँ, क्योंकि ए सीरीज के फोन जो होते हैं वो ज़्यादा बल्की नहीं होते, इसलिए उसमें हैवी आपको ज़्यादा बड़ी बैटरी नहीं मिलती, 4500 से 5000 mAh मैक्स टू मैक्स इतना मिल जाए तो अच्छी चीज़ है। चलिए इसके बाद बात करेंगे आपको सेंसर्स की, तो आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, फेस अनलॉक, एक्सेलेरोमीटर, एम्बेडेड लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिल जाएगा। 3.5 mm जैक चांसेस कम है, क्योंकि प्राइस वैसी होने वाली, उस सेगमेंट का होने वाला कि वहाँ से शायद 3.5 mm जैक गायब कर दें, अब लेट्स सी देखते हैं देते कि नहीं। उसके बाद आईडवाइन L1 का सपोर्ट मिल जाएगा, देन बाकी जितनी चीज़ें, नॉक्स की सिक्योरिटी फुल फ्लेज रहेगी तो वहाँ पे कोई इशूज़ नहीं आएंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो फीचर्स जो हैं सेंसर्स के वो सारे आपको मिलने वाले हैं। स्लॉट की बात करते हैं, पॉसिबली आपको यहाँ पे कार्ड स्लॉट शायद ना मिले, यानी एक्सपांड नहीं कर पाओगे, आई विश की कर लें बट ज़्यादा चांसेस है कि ना हो। वेरिएंट जो लिस्ट हुआ है 6GB वाला हो, तो 64GB तो नहीं देंगे उस प्राइस में, 6GB 128GB से पॉसिबली स्टार्ट हो सकता है। एंड प्राइसिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, गूगल पे कंसोल पे 6GB वाला लिस्ट हुआ है, वहाँ पे लिस्ट हुआ है 6GB वाला, तो पॉसिबली आपको 6GB मिलेगा।
अब प्राइसिंग की बात करते हैं, प्राइसिंग पे आते हैं। तो देखिए, अगर A80 की बात करोगे तो उसका प्राइस जो था वो 40,000 के ऊपर था, 42,000-43,000 के आसपास लिस्ट हुआ था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा मैकेनिकल था, यानी उसमें रोटेटिंग कैमरास थे। तो यहाँ पे अगर फ्लिप कैमरा आता है, अगर आया तो पॉसिबली 40,000 के ऊपर प्राइस जाएगी। एंड नहीं भी आता है तो भी अगर A72 आपको 35,000-36,000 में मिल रहा है, वो भी 4G के साथ, तो A82 अगर 5G के साथ आएगा तो एक्सपेक्ट मत करना कि 40,000 के नीचे होगा। पॉसिबली उसकी भी प्राइस 40,000 या उससे ऊपर ही होने वाली है। लेट्स सी, देखते हैं किस प्राइस पे लेकर आते हैं। जैसे बाकी चीजें पता चलेंगी वैसे ही आपको इसके बारे में बता दूंगा। अब लॉन्च की बात कर लें तो लॉन्च के बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन ज्यादा कुछ खास पता नहीं चला है कि कब लॉन्च होगा। पॉसिबली आपको ये अप्रैल एंड या मई में देखने को मिले, इतना जल्दी नहीं आने वाला है A82। जब भी तो लीक्स आने चालू हुए हैं इंडिया में लॉन्च होने में टाइम, पहले शायद ग्लोबल जाएगा उसके बाद इंडिया आएगा, जैसे बाकी सारे स्मार्टफोन्स आते हैं ए सीरीज के। लेकिन कहा जा रहा है कि ये स्मार्टफोन इसी, अब गूगल प्ले कंसोल पे लिस्ट हो गया तो यही सारे स्पेसिफिकेशन है, तो उन्हीं के साथ आएगा। लेट्स सी, देखते हैं इंडिया में कैसे आता है। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया लाइक मैं शेयर कर देना, नहीं पसंद है डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोज हैं, उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट करने कुछ खास नहीं करना, साइड में देखो बैक्टे में ना, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। एंड अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ना कहने साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।